वेलकम टू ईशानी वीडियोस। आज है सबसे पहला एपिसोड बेपनाह प्यार सीरियल का, जो कि काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और आपको बता दें, आने वाले एपिसोड की कहानी को लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब ऐसे ही आपको हम अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे बेपनाह प्यार सीरियल से रिलेटेड और आपके डेली शो से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात समझ में आ गई होगी, आप सबने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्रीकैप देख सकते हैं दोपहर 12 बजे के आसपास कल सुबह। वैसे यहाँ पर ये जो कहानी है, ये काफी ज्यादा मिलती जुलती कहानी देखने को मिली है हमने एक मूवी में। लेकिन पर चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शो की, कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। यहां पर आपको देखने को मिला कि रघुवीर ने पहले सबसे पहले शादी की थी बानी से, उसके बाद में यहां पर मिशा से शादी हो रही है, लेकिन उसके बीच में उससे पहले आने से पहले यहां पर सुकन्या ने शादी को रोक दिया। लेकिन अब एक और लड़की उसके जिंदगी में आने वाली है, जो कि उसकी यहां पर एम्प्लॉय है। अब यहां पर इन सबके बीच में एक बहुत ही बड़ा प्यार का कनेक्शन बनेगा, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा देखने में। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहां पर रघुवीर को अब लोग बीमार मानने लग जाएंगे, क्योंकि रघुवीर को वो सारी चीजें याद नहीं है जो वो कर चुका है। यानी उसने बानी को समझकर, सुकन्या को बानी समझकर उसे प्यार कर लिया था, लेकिन अब वो भूल चुका है उसको। लेकिन यहां पर क्या सच में क्या हुआ है, अभी इसके बारे में बहुत बड़ी गुत्थी अभी सामने आने वाली है। लेकिन अब कहानी जो मेन फोकस पे आएगी, वो आएगी यहां पर रघुवीर और उसके एम्प्लॉय को लेकर। अब उन दोनों के बीच में प्यार होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी तकरार भी होगी। अब कैसे रहेगा आगे वाला एपिसोड, हम आपको आने वाले एपिसोड में ऐसी और भी डिटेल देते रहेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।